Hello everyone, this is Bablu Sir and you are watching is to learn English spoken channel and today you learn about 10 idioms जो आपको अपनी मदर टंग में तो यूज करना बड़ा इजी होता है बट आज के बाद आप इंग्लिश भी इनकी सीख जाएंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट और सबसे पहला हमारा idiom है काल करे सो आज कर मीन्स आज के काम को कल पे मत टालिए तो इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो यस ऑफकोर्स स्टार्ट नाउ नोट टुमारो नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पे बड़ा ही अच्छा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मीन जिस चीज के अंदर आप बहुत मजा कर रहे हैं दूसरा बोला बहुत बेकार चीज है तो आपको पता है ना उस चीज का फायदा क्या है तो वहां बोला जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद सो बात करेंगे अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स नेक्स्ट की बात करेंगे नेक्स्ट है जिस थाली में खाया उसी में छेद करना तो इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ पे बाइट द हैंड दैट फीड्स यू यू को आप बदल सकते हैं किसी और पर्सन के साथ कि उसने भी ऐसा किया नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आई नो यू इनसाइड आउट मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं बहुत बार क्या होता है कोई आपके सामने बनता है जब आपको सब कुछ पता है उसको जानते हो किस हद तक जा सकता है तो ऐसी कंडीशन में बोलना होता है रहने दो आई नो यू इनसाइड आउट मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बड़ा ही सिंपल है सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग इज येलो टू द जॉन्डिस्ट आईज और नेक्स्ट की बात करें बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत बार बोलना होता है जब कोई व्यक्ति आपके अंदर आ ही नहीं रहा मीन्स आपके रेंज में आ ही नहीं रहा और जिस दिन आ जाएगा आप उसको देख लेंगे तो कभी वो आपकी रेंज में आ जाए आपके नीचे आ जाए आप कोई काम ऐसा जो आपके थ्रू होना है उसका वहां बोलते हो आप अब आया उठ पहाड़ के नीचे इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे टू कम अक्रॉस मोर देन अ मैच यस ऑफ कोर्स अब आया उठ पहाड़ के नीचे नेक्स्ट की बात करेंगे नेक्स्ट हो जाएगा दूध का जला छाछ को भी फूक मार के पीता है मीन्स एक बार जिससे गलती हो जाए दोबारा वो गलती को नहीं दोहराता है इंग्लिश में बोलेंगे वंस बीटन ट्वाइस शाय नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पे बड़ा अच्छा है ये भी जैसा देश वैसा भेष जैसा देश वैसा भेष मतलब जहां के हो वहां के बन के रहो मान लीजिए जहां इंग्लिश बोलने की जरूरत है सामने वाला इंग्लिश में कोऑपरेट कर रहा है इंग्लिश बोलिए अदरवाइज अपनी मदर टंग में भी आप बात कर सकते हैं तो तब बोला जाता है जैसा देश वैसा भेष इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ पे हम व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू यस ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू नेक्स्ट की बात करेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते बहुत बार क्या होता है कुछ का पिटाई से ही सब कुछ होता है सो लातों के भूत बातों से नहीं मानते इंग्लिश में बोलेंगे रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल और लास्ट idiom की अगर हम बात करें बड़ा इंटरेस्टिंग है पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं बहुत बार क्या होता है ये कहावत आपको सुनने को ज्यादा मिलती है और इसलिए बोल दिया जाता है कि कुछ का हाव भाव ही बता देता है आगे जाके क्या करने वाला है सो पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे मॉर्निंग शोज द डे सो ये थे आपके 10 idioms जो आप अपनी डेली रूटीन में आई होप अपनी मदर टंग में जरूर यूज करते होंगे बट आज के बाद इंग्लिश भी आपको इनकी जरूर आएगी सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं वो हर कोशिश करता हूं जिससे आपका स्पोकन इंप्रूव हो सके सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ टिल देन हैव अ नाइस टाइम